हे एवरीबॉडी, दिस इज चैलेंजर झा और आज के इस वीडियो में बताएंगे कि फिल्मोरा में क्या क्या फीचर्स हैं। अगर आप फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो फिल्मोरा क्या 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 फीचर्स देता है। मोर देन 70% लोग जो है वो फिल्मोरा के सारे फीचर्स का यूज ही नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या क्या फीचर्स है, कुछ कुछ को तो उन सारे फीचर्स के बारे में पता भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि फिल्मोरा का क्या क्या फीचर्स है और वो आपके किस काम आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इंपोर्ट और रिकॉर्ड। इंपोर्ट के अंदर में देखिएगा, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, यहाँ पे जो है फाइल्स वगैरह को इंपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। मीडिया फाइल्स आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन से इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ये प्लस वाले या इस एरिया में कहीं पे भी, तो आपका जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा उस फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। इसके बाद जो है यहाँ रिकॉर्ड का बटन है, तो रिकॉर्ड में देखिए तीन ऑप्शन है। पहला कि रिकॉर्ड वेब कैम, इससे क्या होगा कि आपके लैपटॉप का कैमरा ऑन हो जाएगा और उससे जो भी आप बोलिएगा वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद है लैपटॉप रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, ये क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो आज तक आप लोग, हो सकता है कि आप में से बहुत कोई जो है अलग से सॉफ्टवेयर रखते होंगे कि लैपटॉप के पीसी के स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। इवन मैं भी रखता हूँ, मेरा अलग है, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मैंने रखा है, बट हाँ मैंने अलग सॉफ्टवेयर रखा, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे जो है देखिए फिल्मोरा के अंदर ही जो है पीसी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का जो है फीचर्स अवेलेबल है। वॉइस ओवर में अगर अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए इसके बाद ऑडियो है। ऑडियो क्या है, बेसिकली आप किसी तरह का म्यूजिक या इफेक्ट देना चाहते हैं, साउंड इफेक्ट, तो उसका यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि 76 इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे देखिए यंग एंड ब्राइट में तरह तरह का म्यूजिक आपको अवेलेबल है, आप उसका यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में अपने नीड के हिसाब से। इसके बाद देखिए ये अवेलेबल है, इसके बाद ये अवेलेबल है, इसके बाद ये साउंड इफेक्ट में 25 साउंड इफेक्ट है, एटॉमिक बॉम्ब है और भी बहुत सारा है, डिजिटल अलर्ट है और देखिए गेम, वीडियो गेम ओवर, तो बहुत तरह का जो है वो इफेक्ट भी अवेलेबल है। इसके बाद ये फिल्म स्टॉक क्या है, यहाँ पे क्या है कि आप जो है ऑनलाइन जो ऑडियो है उसको भी आप अपने सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद का देखिए यहाँ पे क्या है, टाइटल्स। टाइटल्स से आप समझ ही गए होंगे कि आपको टेक्स्ट लिखने के लिए है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ओपनर्स पे हम लोग देखेंगे कि तरह तरह का जो है ओपनर्स है जिसका यूज कर सकते हैं आप अपने वीडियोस में। इसके बाद टाइटल्स है तरह तरह का, किसी तरह का आपको टाइटल्स देना तो उसका भी यूज आप कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार। देखिए एक बात समझिए कि आप किसी भी चीज का यूज करते हैं तो ऐसा नहीं कि सामने वाला ने कह दिया कि ये यूज करो तो आप वही यूज करो, आपका जो नीड है उस नीड को समझते हुए चीजों को यूज किया जाता है, किसी भी एलिमेंट को यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए जो है लोअर थर्ड में, ये लोअर थर्ड में कैसे टाइटल लिखाएगा, ये मेरे एक कुछ कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने लोअर थर्ड का यूज किया था। इसके बाद जो है सबटाइटल, सबटाइटल तो हम लोग समझते हैं कि जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो नीचे में लिखा दिखता है, वो तो मेरे बहुत सारे वीडियोज में सबटाइटल 5 आपको दिखता होगा। इसके बाद जो है एंड क्रेडिट, एंड क्रेडिट में आपने जैसे मूवीज में देखा है और ये भी शॉर्ट वेब मूवीज में भी जो है इसमें दिखाता है कि ये क्रेडिट जो भी होता है मूवी का वो दिया जाता है। इसके बाद न्यू कंसेप्ट के अंदर में क्या क्या है, टाइटल्स, टाइटल्स के अंदर में तरह तरह का जो है अवेलेबल है आप अपने नीड के अनुसार। मैंने हर बार कहा है कि किसी भी चीज का यूज किया जाता है आपके नीड के अनुसार, तो आप अपने नीड के अनुसार यूज कर सकते हैं। लोअर थर्ड भी अवेलेबल, ये जो है न्यू लोअर थर्ड 6, ये मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में यूज किया है। इसके बाद जो है ओपनर है, ओपनर क्या है कि इसमें 40 तरह का है, ये आप स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। ये मेरा जो है बहुत सारा शॉर्ट्स वीडियोस में आपने देखा होगा न्यू ओपनर 6 को।
अब बहुत सारा है, अपने नीड के अनुसार से आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि जो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने के लिए जो एक इफेक्ट दिखाता है, एक एनिमेशन टाइप का इफेक्ट जो होता है, उसको हम ट्रांजिशन समझ सकते हैं। समझने के लिए देखिए, बातों को समझना जरूरी होता है, तो समझने के लिए ये समझिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो है ट्रांजिशन अवेलेबल है, यहाँ पे आप इस ट्रांजिशन को भी यूज कर सकते हैं। इरेज, क्यूब, बार, ब्लाइंड वन, बॉक्स, टर्न ऑन, इसके बाद जो है बहुत सारा है, आप अपने नीड के अनुसार से ट्रांजिशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग ट्रांजिशन, ये बेसिक ट्रांजिशन है, 3D ट्रांजिशन 21 अवेलेबल है, जिसमें स्फेरिकल ट्रांजिशन जो है 8 है, इस तरह से ये है क्यूब में इतना है। तो हर चीज जो है आप अपने नीड के अनुसार से यूज कर सकते हैं, आपके नीड के अनुसार से। इसके बाद जो है इफेक्ट है। इफेक्ट बेसिकली क्या है कि आप अपने वीडियो में किसी तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं, लाइक 70s का इफेक्ट देना चाहते हैं, विलो का इफेक्ट देना, 007 सीरीज का इफेक्ट देना चाहते हैं, तो वो तरह तरह का है, वो आपके वीडियो का कलर चेंज करेगा, वट एवर जो भी है इफेक्ट में इसी तरह से आएगा। जैसे कि आप किसी चीज में, कभी कभी होता है किसी मूवीज में आप पास्ट की कुछ स्टोरी बता रहे हो, तो वो वहां देखते होंगे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, तो वो बंदा सोचने में चला गया, तो इस टाइप से जो अगर आता है तो उसमें इफेक्ट का यूज किया जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारा अवेलेबल है, फिल्टर में बहुत सारा देखिए अवेलेबल है। तो उसके बाद जो है ओवरलेज में अवेलेबल है, और भी बहुत सारा अवेलेबल है। इसके बाद जो है एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट्स है क्या। बेसिकली एलिमेंट्स बहुत तरह के हैं, यहाँ पे हर्ट एलिमेंट का आप यूज कर सकते हैं, लव एलिमेंट का, ये जो है लाइक बटन वाला एलिमेंट है कि हाँ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इमोजी का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, हम यहाँ पे देखिए लव के लिए इतना सारा अवेलेबल था, जर्नी के लिए जो है ये सारा कुछ अवेलेबल है। इसके बाद शेप्स के लिए ये अवेलेबल है, हैंड ड्रॉन है, बैग है, उसके बाद बहुत सारा जो है देखिए यहाँ पे जो है वेव के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला जो है बटन, तो आप अपने नीड के अनुसार से बेशक यूज कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का भी कोई शक नहीं है। इसके बाद जो है AR VR है, इमोजी भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 9 तरह का इमोजी है। फिल्म स्टॉक में मैंने पहले ही बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत पड़ेगा, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। स्प्लिट स्क्रीन, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने जो है स्प्लिट स्क्रीन के बारे में बताया है, बट मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा। स्प्लिट स्क्रीन जो है दो लोगों के बीच के जो कन्वर्सेशन होते हैं उनको दिखाने के लिए, कि पहला फ्रेम में पहला बंदा, दूसरा फ्रेम में दूसरा बंदा, और उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, वो ये इस तरह का जो स्प्लिट स्क्रीन वाला जो वीडियो होता है, ये आप न्यूज मीडिया में देखते हो कि बोलता है कि दो लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है, एक एंटी में है एक सपोर्टिंग में है, तो दो लोग हैं बीच में, VS लिखा हुआ है, वर्सेस लिखा हुआ है, तो दो लोगों के बीच में है बातों का झगड़ा है, या बात जो भी है वो एक उनका एक तरीका होता है बताने का, तो ये इसी तरह से स्प्लिट स्क्रीन का यूज करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप यूज करें इस स्प्लिट स्क्रीन का, तो आप कमेंट करके पूछिए, हम जरूर उस पर एक पार्टिकुलर वीडियो बनाए। इवन आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछिए, हम उस चीज को बताएंगे और बनाएंगे वीडियो। यहाँ पे देखिए स्प्लिट स्क्रीन में वेराइटी दिया है कि दो लोगों को देना है, उसके बाद यहाँ पे भी दो है, यहाँ तीन लोग है, यहाँ चार लोग है, तो वो हर तरह से डिपेंड करता है कि आपको कैसे कैसे देना है। वो फिर से वही बात है कि आप अपने नीड के अनुसार यूज करिएगा, और कोई बात नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पे लगभग लगभग हमने सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, बट यहाँ पे एक और कुछ कुछ चीजें रह गई हैं जिनके बारे में मैं बात कर लूँ। यहाँ देखिए फाइल से आप न्यू फाइल्स में जाके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ है। इसके बाद एडिट है, टूल्स है, वीडियोस के बारे में है, एक्सपोर्ट के लिए है कि आप वीडियो को एक्सपोर्ट करें, तो वो चीज़ है सारा कुछ। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए वॉइस ओवर में, जब आप ये माइक में जब आप क्लिक कीजिएगा, तो ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड करेगा। मान लीजिए कि आप कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, साइलेंट वीडियो, उसमें आप अपना वॉइस डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वॉइस ओवर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में आप समझ गए होंगे कि फिल्मोरा का कितना सारा फीचर्स है, और उन फीचर्स में से सारे फीचर्स आपके काम के हो सकते हैं।
इवन आपको कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ट्रांजिशन अवेलेबल है, स्प्लिट स्क्रीन अवेलेबल है, टाइटल्स अवेलेबल है, ऑडियो लाइब्रेरी अवेलेबल है, और भी इफेक्ट अवेलेबल है, और भी बहुत सारा वॉइस ओवर अवेलेबल है, रिकॉर्ड विथ वेबकैम अवेलेबल है। मतलब ऑलमोस्ट एवरी फीचर्स इज अवेलेबल, ऑलमोस्ट एवरी फीचर्स इज अवेलेबल इन फिल्मोरा। तो आप फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं अपने वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप अब तक नहीं देखे हैं वो वीडियो जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर को लाइफ टाइम फ्री में यूज कर सकते हैं, तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप फिल्मोरा का जो सॉफ्टवेयर उसका यूज आप लाइफ टाइम फ्री में कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट करके पूछिए, और किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो कमेंट करके पूछिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।